हरे रंग पर से बिके चुनर वाली रंग पर। तो आज है होली, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। और होली के दिन ना कुछ कुछ प्रिपरेशन करनी होती है जो रंग खेलने से पहले। तो हमारा प्रिपरेशन है सरसों का तेल। तो पहले हम सरसों का तेल ना पूरे फेस में अच्छे से लगा देंगे ताकि ना रंग ना चढ़े मेरे ऊपर। पता है सारे बच्चे मॉर्निंग से ही दीदी दीदी कर रहे हैं कि खेलने आओ दीदी खेलने आओ। अगर मुझे इतना लग गया ना तो भूतनी बन जाऊंगी। तो मैंने ना तेल वेल लगा के पूरा रेडी हो गई हूँ फेस में ताकि मेरा ज़्यादा रंग ना चढ़े इसलिए। और मैंने ना अपने पास भी थोड़ा सा रंग छुपा के रखा है, किसी को पता नहीं है कि मेरे पास रंग है। वैसे मैं मार्केट से ख़रीद ली थी थोड़ा बहुत, ये रेड कलर लिया है मैंने, रेड कलर मुझे ज़्यादा पसंद है ना, तो सबको लगेगा मेरे पास कलर है नहीं और मैंने तो छुपा के पहले ही रख लिया है। तो चलते हैं बच्चों के साथ धमाका करते हैं होली पे। होली ऐसे कौन लगाता है यार, कस के लगाओ ना। ये लो नहीं नहीं पूरा बॉडी वॉडी सब रंगो, ऐसे थोड़ी रुक जाओ तेरी तो रुक, लाल लाल लगाओ पर से रेड कलर इसका पूरा उधर उधर रे बाल्टी। अरे फेंको, इतना डरो नहीं। जय श्री हैप्पी होली। अरे वाह ये देखो होली होली है हो गया हो गया चल गया चल गया। अरे कुछ लो प्रियांशु जल्दी हैप्पी होली। आई लो ही लो ही लो ऊपर 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 दीदी है A few moments later. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा आज का आउटफिट होली लुक। सो अभी छोटे छोटे बच्चे आने वाले हैं क्योंकि आने स्टार्ट हो जाते हैं ना इवनिंग के टाइम पे। हमारे यहाँ होली ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं अबीर से, क्योंकि दोपहर में तो आपने देखा ही था कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और इवनिंग के टाइम पे अबीर से सेलिब्रेट करते हैं ना। सारे बच्चे आते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ जो हम लोग बना के रखते हैं वो खाते पीते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से। तो मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है छोटे छोटे बच्चों के लिए, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा गुलाल रेडी है 4 कलर का, और ये रहा स्टार्टर का कुछ वो आइटम, स्टार्टर का आइटम। ये यहाँ पे डेकोरेट किया है हमने टेबल पे, जो आते के साथ स्टार्टर देते हैं वो। तो स्टार्टर तो आपने देख लिया, अब हम आपको किचन में दिखाते हैं कि हमने किचन में क्या क्या तैयारी की है अभी तक। प्रिपरेशन यहाँ छोटे छोटे बच्चों को कस्टर्ड, चाट, कोल्ड ड्रिंक, दही बड़े ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है ना, इसलिए हमने ये छोटे छोटे चीज़ें रेडी किया है बच्चों को देने के लिए, कस्टर्ड, चाट, दही बड़े एंड कोल्ड ड्रिंक। और ये हमने कुछ बड़े लोगों के लिए बनाया था जिसमें स्वीट्स हमने बाहर से मंगवाए थे, और ये था डोसा, सांभर, चटनी, और यहाँ पे कुछ स्वीट्स जो बड़े लोगों को बहुत पसंद होती है तो ये उनके लिए था, और कुछ छोटे छोटे स्नैक्स के आइटम थे थोड़ा बहुत जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए। और ये तो हमने लंच में किया था, पुलाव, दाल, ये सारे आइटम भी बने थे। बहुत सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर किया है जो बड़े आदमी खा सकते हैं, जैसे पुआ हो गया, आलू पूरी हो गई, और प्लेन पूरी हो गई, जो मसाले पूरी होती है वो 4-5 आइटम उसमें है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे कम पसंद करते हैं ना, इसलिए ये बड़ों के लिए। तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी थी, इनने इतने चीज़ों का प्रिपेयर किया, अभी बच्चे आने स्टार्ट हो गए तो चलिए खिलाते हैं। आंटी आ गई हैं,
अभी हमारे साथ होली खेलने बहुत देर से खोज रही थी हमको आंटी, अभी आई हैं आके, हम भी लगा दें जरा आंटी। हैप्पी होली आंटी, हैप्पी होली वैष्णवी। थोड़ा ज्यादा लगाना आंटी को। हाँ आंटी को ज्यादा लगाना, आंटी को तो भर देना है पूरा। आंटी आ गई हैं, बच्चों का वेट कर रहे थे तो अभी आंटी आई हैं, चलते हैं। ये सारी चीजें आंटी को ही खिलाते हैं और पूछते हैं उनसे कैसा बना है। छोटे छोटे बच्चे होली में क्या करते हैं? हेलो बोलो, हेलो हेलो, इधर आइए ना तो उधर। हाँ ये देखो सारे बच्चे पार्टी, हैप्पी होली। और ये देखो छोटे छोटे, हैप्पी होली। थोड़ा कुछ हल्का हुआ है हमारा घर। अभी तक बच्चे बच्चे बड़े इतने गेस्ट हमने बोला ना, हमारे यहाँ शाम में ही मेन होली होती है, जो सारे बच्चे आते हैं आशीर्वाद लेने और बड़े आते हैं एक दूसरे से गले मिलने और अपनी खुशियाँ बांटने के लिए। तो ऐसे ही होली में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि पता है मैं तो 3 साल बाद आ रही हूँ, तो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए भी सब दूर दूर से आ रहे हैं कि चंदा से जा रहे हैं मिलने के लिए। तो अभी सब और गेस्ट आने ही वाले हैं, अभी तो आधा ही आए हैं, अभी बज गई है 8:30, पता नहीं कब तक आएंगे, थक गई हूँ, पूरा हालत ख़राब हो गई है, लेकिन इन्जॉय बहुत मज़ा आ रहा है, सबको खुश है। तो इसलिए आप लोग अपना होली कैसे मनाते हो और कैसे शेयर करते हो, आप लोग दोपहर में मनती है या फिर शाम को, ज़रूर बताइएगा हमें। हमारे यहाँ तो शाम को इम्पॉर्टेंट होता है, दिन में होता है बट बच्चे खेलते हैं दिन में, बड़े शाम को ही खेलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी होली हो गई है एंड, क्योंकि हम भी गए थे घूमने के लिए कहीं कहीं, अंकल आंटी के यहाँ बुलाई थी, तो अभी हम वहाँ से आ गए हैं और बज रहे हैं 10:30, जो कि बहुत लेट हो गया था, रात हो गई है आने में। तो अब हमारी जाके होली एंड हुई है, अब चलते कुछ खाना पीना खाएंगे, पेट पूजा। वैसे तो हालत ख़राब हो गई आज। और आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप हमें लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में नए तरीके से, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल वंस अगेन, हैप्पी होली।